हाय डियर अबाउस फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको पता है, मैं 366 डेज आउटफिट चैलेंज कर रही हूं और डे 18 के लिए मैंने पिक किया है जंप सूट के लिए फैब्रिक। जंप सूट का रेफरेंस पिक्चर ये है और हमें ये तैयार करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 4 मीटर ब्रॉकेट फैब्रिक। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ब्रॉकेट फैब्रिक है, गोल्डन कलर इसका है। बेस फैब्रिक इसका लाइट गोल्डन है, बट इस पे जो वर्क है वो गोल्डन है, तो सिमिलर फैब्रिक मैंने पिक किया है। अब इस फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम पहले कट कर रहे हैं टॉप पार्ट, यानी कि जो ब्लाउज पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है, वो कट कर रहे हैं। एंड वो हमारा प्रिंसेस कट स्टाइल में है, तो यहाँ पर प्रिंसेस कट स्टाइल में ही हम इसको कट करेंगे। स्लीव्स इसकी पफ बना रही हूँ मैं, पफ स्लीव्स जो होती है, तो उसकी ट्यूटोरियल वीडियो कंप्लीट डिटेल में मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको प्रिंसेस कट में सिखा रही हूँ एंड बॉटम जो हमने तैयार किया वो सिखा रहे हैं। स्लीव्स इसमें मैंने नहीं ऐड किए, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी इस वजह से। शोल्डर की मार्किंग कर दी है, देन उसके बाद यहाँ से आप देख लीजिए नेक की विड्थ आपको कितनी रखनी है, उसी अकॉर्डिंग आप शोल्डर भी रखेंगे। एंड पीछे से बैकलेस है इसलिए शोल्डर कम रखेंगे। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है कि आपका शोल्डर गिर जाता है, ड्रेस के शोल्डर्स गिरते हैं, उसका पीछे का रीज़न ये है कि आप शोल्डर ज़्यादा ब्रॉड ले लेते हैं। जब डीप नेक बनाते हैं तो शोल्डर 1 या 2 इंच कम ही लेते हैं। यहाँ पर आर्म होल हमने ड्रॉ कर लिया है, इसको कट कर लेंगे। एंड बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट हम कट कर रहे हैं, जिस हिसाब से हमने ये फैब्रिक को फोल्ड किया है उसमें जो फिटिंग है उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेकर ही फोल्ड किया है, तो हमने साइड में कोई मार्किंग नहीं किया क्योंकि वो हम ऑलरेडी कट कर चुके हैं। बॉटम से भी स्ट्रेट करके इसको कट कर लेंगे। ये हो गया हमारा अपर पार्ट कट, साइड से बंद है तो दूसरा साइड भी हम कट करके उसको अलग कर देंगे। यहाँ से इसको कट कर लिया है हमने। अब इसके बाद हम कट करेंगे बॉटम। बॉटम जैसा कि आप देख सकते हो फ्लेयर्ड प्लाजो है और उसमें बीच में एक प्लीट डली हुई है, नाइफ प्लीट डली हुई है। तो प्लीट जो है हमारी वो है ऑलमोस्ट 3 इंच की, 3 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसलिए जो भी हमारी वेस्ट है उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके हम इसको कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप अलग से कैलकुलेशन करके पहले से ही देख लेना कि आपको कितना कितना रखना है। ये इसका मिडल पॉइंट है और ये इतना हम लेके चल रहे हैं। एक और चीज़, मैंने इसमें पॉकेट नहीं बनाई है क्योंकि काफ़ी इजी मुझे ये आउटफिट बना वीडियो इसका शूट करना था, जो आप लोग इजीली समझ सके, तो पॉकेट का वीडियो मैं फिर कभी बनाऊंगी, इसमें पॉकेट नहीं ऐड की है। जितना हमने साइड में मार्जिन रखा है उतना ही यहाँ पर क्रॉच एरिया के साथ रखेंगे। ये क्योंकि हमारा हाई वेस्ट है, हाई वेस्ट प्लाजो बनाएंगे तब जाके हमारा ये रेडी होगा, तो इसलिए इसका क्रॉच एरिया हमने 14 रखा है। और इस तरीके से ड्रॉ करके अब नीचे से आपको जितना फ्लेयर लिया है उस एंगल से इसको मिला देंगे। यहाँ से भी आपको दोनों को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन हमारी मार्जिन के साथ है तो कन्फ्यूज मत होना, यहीं से हमें कटिंग भी करनी है। नीचे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्जिन लिया है क्योंकि नीचे हमें फोल्ड करना है एंड ऊपर भी हमें 1/2 इंच चाहिए, तो टोटल 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। अब चलिए इसको कट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल 1 लेग की कटिंग की है, उसके पीछे का रीज़न ये है, दोनों को साथ में करके करेंगे तो जो हमारा फैब्रिक है वो एक ही डायरेक्शन में है। दोनों को साथ में करेंगे तो हमारा जो फैब्रिक है एक की डायरेक्शन ऊपर जाएगी और एक की डायरेक्शन नीचे जाएगी। मैं पैटर्न की बात कर रही हूँ जो कि जो कि इस पर हमारा बना हुआ है, फैब्रिक के ऊपर जो बना हुआ है उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो एक लेग कट कर लेंगे इसी तरीके से। जब हमारा ये कट हो जाएगा तो इसी के साथ हम दूसरा भी अलग से रख के कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने स्लीव्स इसलिए कट नहीं की थी क्योंकि मुझे पता था साइड से फैब्रिक बचेगा, उसी में से हम स्लीव्स निकालेंगे, और स्लीव्स की वीडियो इसमें नहीं डाली, बट ये बचे हुए फैब्रिक में से ही हमने स्लीव्स को कट किया है सो दैट हमारा फैब्रिक जो है अच्छे से यूज़ कर पाए। तो इस तरीके से हमारे स्लीव्स अपर पार्ट बॉटम पार्ट दोनों कट हो चुके हैं। इसी तरीके से हमने लाइनिंग भी कट की है,
लाइनिंग का वीडियो नहीं है इसमें, बट लाइनिंग सेम तरीके से हमने कट किया। अब चलिए ब्लाउज़ बनाना स्टार्ट करते हैं, यानी कि अपर पार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। इन सब के नीचे मैंने पेपर फ्यूजिंग अच्छे से पेस्ट कर दिया है, जिससे कि फैब्रिक की थिकनेस बढ़ जाए और फिनिशिंग ज़्यादा अच्छे से हमें दिखाई दे। तो प्रिंसेस कट स्टाइल में हमने इसको कट कर लिया था और अब इसको स्टिच कर रहे हैं। अब आप लोग बोलोगे यहाँ पर आपने प्रिंसेस कट भी नहीं डाला है, तो प्रिंसेस कट की वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर डली हुई है। अगर आप मुझे रेगुलर मेरी वीडियोस को देखते हैं तो आपको पता होगा कि काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर रखे हैं, एंड हर आउटफिट में कोई ना कोई एक पैटर्न ऐसा आ जाता है जो कि मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। तो इसलिए मैं वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं करना पसंद करती। आप जाकर मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर जाकर कनेक्ट कर लीजिए, मैं आपको वहाँ पर शेयर कर दूँगी, व्हाट्सएप नंबर बायो में है। तो इस तरीके से आपको दोनों एंड्स को मिलाकर बराबर में स्टिच करना है। और अब आपको मैं दिखाऊँगी कि किस तरीके से हमारा प्रिंसेस कट का जो उभरा हुआ पार्ट है वो बनके तैयार हो जाता है। सी, विदाउट एनी पफ या पैड आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे ये दोनों स्टिच होने के बाद फ्रंट पार्ट का लुक क्रिएट कर रहे हैं। ये हो गया हमारा रॉ फैब्रिक और ये हो गया मेन फैब्रिक। दोनों को मिलाएंगे हम, रॉ फैब्रिक यानी कि लाइनिंग, लाइनिंग पर भी हमने पेपर फ्यूजिंग को पेस्ट किया है। दोनों को मिलाकर इस तरीके से पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे। सब जगह हमने पिन लगा ली है जिससे कि फैब्रिक इधर उधर मूव ना करे, ना मेन फैब्रिक ना ही लाइनिंग फैब्रिक। अब इस वीडियो में मैं आपको इजी तरीके से नेक ड्रॉ करना सिखाऊंगी, क्योंकि हमने दोनों तरफ फ्यूजिंग ऐड की है। तो एक साइड में आपको मार्किंग करनी है, पहले मिडिल पॉइंट निकाल लीजिए शोल्डर का, फिर उसके बाद आप उसको नीचे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जितना आपको डीप नेक रखना है आप उतनी मार्किंग कर लीजिए। सपोज़ मुझको इसको रखना है 7.5 पर, तो 7.5 पर हम मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए 7 इंचेस डीप नेक, बट 5.5 हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। यहाँ पर 3.5 पर मार्किंग कर ली है और यहाँ पर भी हम 3.5 पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर भी आप 3.5 पर मार्किंग कर लीजिए, एक स्क्वायर बन जाएगा। देन उसके बाद हम नेक का डिज़ाइन अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे, यहाँ पर भी 3.5 पर। नाउ वी विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन एंड इसके बाद आपको नेक का जो भी शेप बनाना है आप बना सकते हो। यहाँ पर हल्का सा एक लाइट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं रेफरेंस के लिए, दो लाइन ड्रॉ कर दिए। इस तरीके से एक साइड आप नेक डिज़ाइन बनाइए एंड दूसरी साइड आपको सिर्फ पेस्ट करना है। तो बेसिकली अगर आप हाफ साइड में बनाओगे, हाफ साइड में आपका चौक है तो दूसरी तरफ भी पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। सी, इस तरीके से वी नेक मेरे को बनाना था, मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड किया। यहाँ पर हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है, ऐसे करना है, जो चौक का मार्क है वो आपके दूसरे साइड भी लग जाएगा। और अच्छे से बनाओगे ना हाफ लाइन को तो दूसरी हाफ लाइन भी अच्छे से पेस्ट हो जाती है। सी, नाउ यू कैन सी द क्लियर नेक डिज़ाइन। अभी बीच में आप पिन की हेल्प से सिक्योर कर लीजिए और बहुत अच्छे से लगाना है, क्योंकि फ्यूजिंग है तो स्टिचिंग के टाइम पर ना थोड़ा सा खिंचाव बनता है फैब्रिक में। यहाँ पर स्टिच करने के बाद इसको कट कर दिया, फैब्रिक को फ्लिप कर देंगे तो लाइनिंग हमारी अंदर की तरफ और मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ जाएगा। और इसमें हमें पैड भी ऐड करने हैं। जब भी हम कोई आउटफिट बैकलेस बनाते हैं तो उसमें हम पैड ऐड कर लेते हैं, सो दैट इजीली हम उस आउटफिट को कैरी कर पाए विदाउट एनी हैसल। यहाँ पर प्रिंसेस कट हमारा तैयार हो चुका है, बैक पार्ट अब तैयार करेंगे। बैक हमने रखा है बैकलेस। अब बैकलेस के लिए मैंने यहाँ पर भी वीडियो थोड़ा सा शूट किया है कि किस तरीके से नेक डिज़ाइन किया है। सबसे पहले 3.5 उधर मार्क किया था, तो नेक की जो विड्थ है 3.5 पर यहाँ पर मार्क करेंगे। दोनों को इक्वल रखना होता है। पीछे से नेक पर यहाँ पर हमें पट्टी ड्रॉ बनानी है, शेप बनानी है, उसके लिए हमने मार्क किया है। अब आपको देखना है कि आप कितना डेप्थ पहन सकते हो नेक की। तो मैंने नीचे की तरफ जहाँ पर हमारा प्लाजो ऐड होगा उतना ही उसको डीप रखना है। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग विड्थ डिसाइड कर सकते हैं, ज़्यादा चौड़ी विड्थ मत रखना, अदरवाइज़ वो लूज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं रहता, यहाँ पर फैब्रिक नहीं होता, खुला स्पेस रहता है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है। और इसी वजह से अगर आपकी वेस्ट 28 है तो वो 29 या 30 हो जाएगी। यहाँ पर हमने हाफ में इस तरीके का शेप बनाया है और अदर हाफ में भी हम सेम शेप को पेस्ट कर लेंगे लाइक दिस। आप देख सकते हैं दोनों साइड मैंने फ्यूजिंग ऐड की है और ये पेपर फ्यूजिंग है जिसमें वन साइड ग्लू होता है, जब आप आयनिंग करोगे तो ये मेल्ट होके दूसरी साइड भी स्टिक हो जाती है। तो ये फैब्रिक के साथ बिल्कुल अच्छे से चिपकी हुई है।
आप यहाँ से इसकी मार्किंग करेंगे और इसको नीचे तक मिला देंगे। नाउ यू कैन सी प्रॉपर शेप। अब इसके बाद इसको स्टिच करना है और स्टिच करके इस पार्ट को हमें कट करके अलग कर देना है। सी स्टिच हो चुका है, कट करके अलग कर दिया है, वो हमारा फैब्रिक वेस्ट है बट उसका हम कुछ ना कुछ बनाएंगे इसलिए मैंने उसको साइड में रखा है नीचे गिराने की जगह पर। इसमें ये साइड ओपन है, वहाँ से उसको फ्लिप कर देंगे। अब बारी आती है स्लीव्स की। स्लीव्स में हम लाइनिंग नहीं लगाएंगे बट पेपर फ्यूजिंग हमने अच्छे से पेस्ट कर ली है। अब इसका मिडिल पॉइंट निकाल के हमें 3 प्लीट्स बनानी है इस डायरेक्शन में। और मार्किंग मैंने कर ली थी क्योंकि यहाँ पर हमें स्लीव्स की विड्थ रखनी जितनी है उतना ही इसको प्लीट्स बना के तैयार करना है। सेम यहाँ पर स्टिच करेंगे और इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी स्टिच करना है। एक स्लीव्स हमारी तैयार हो चुकी है, अब दूसरी स्लीव के लिए हम सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। 3 डॉट डालेंगे और उनको स्टिच कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी स्लीव्स तैयार हो चुकी थी और स्लीव्स कुछ इस तरीके से दिख रही हैं। देखिए नीचे से आपको मैंने थोड़ा सा ब्रॉड रखा है, 2 डार्ट हम नीचे भी डालेंगे, प्लीट्स हम 2 नीचे भी डालेंगे, वो आप एंड में देख लेंगे। तो ये हमारा बैक है, इस तरीके से ओपन रखा है, बाद में यहाँ पर स्टिच करके अंदर की तरफ फ्लिप कर देंगे। और नेक ऊपर का हमने राउंड शेप बनाने के बाद हमने नेक को बनाया, तो यहाँ पर ये पट्टी लगा देंगे और आप पट्टी। और फ्रंट पार्ट हमारा कुछ इस तरीके से है, मैं आपको दिखा देती हूँ पट्टी लगाने के बाद। सी इसको यहाँ पर रख कर हमें स्टिच करना है और अदर पार्ट हमारा ये है, इसको यहाँ रख कर हमें स्टिच करना है। एंड ये हमारा नीचे से लॉन्ग है तो उसको कट कर देंगे। अब बारी आती है बॉटम की। बॉटम का प्लाजो हमने तैयार किया है, नीचे से पट्टी ऐड कर दी है और उसको स्टिच करना स्टार्ट कर रहे हैं। नीचे से हैवी पट्टी हमने इसलिए ऐड की है जिससे कि इसका फॉल अच्छा है। आप फ्यूजिंग ऐड करके पट्टी ऐड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोनों पार्ट को पहले साथ में मिला के इस तरीके से स्टिच करना है और लाइनिंग को भी हमें इसी तरीके से स्टिच करके क्रॉच एरिया को इसका मिलाना है। पहले ब्रॉकेट फैब्रिक का क्रॉच एरिया मिलाना है, फिर लाइनिंग का क्रॉच एरिया मिलाना है और दोनों का मिला के फिर इनकी वेस्ट आपस में सिलनी है और लाइनिंग जो है हमारी फैब्रिक की उसको अंदर की तरफ कर देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो लाइनिंग फैब्रिक है और मेन फैब्रिक है दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे, साथ में स्टिच नहीं होंगे, अलग अलग रहेंगे। गाइस अगर आपको दिक्कत आती है, मैं यहाँ पर मैं फ्री में क्लासेस देती हूँ, फ्री में वीडियोस अपलोड करती हूँ, बट उसके बाद भी अगर आपको इश्यूज आते हैं और आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं विद कैलकुलेशन विद फार्मूलाज। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर बायो में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टाग्राम अकाउंट पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको फुल कोर्स की इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो इस तरीके से हमें ये स्टिच करने के बाद आपको फाइनल लुक मैं दिखाती हूँ इसका। सी यहाँ पर क्रॉच एरिया आपको दोनों को साथ में मिलाकर स्टिच करना है। हमने लेफ्ट पार्ट स्टिच कर दिया है, राइट पार्ट स्टिच कर रहे हैं और इसको स्टिच करने के बाद लाइनिंग स्टिच करके उसको अंदर की तरफ इंसर्ट करना है। एंड जो मैंने आपको बताया था फ्लेयर के लिए हमने प्लीट्स बनानी है तो आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से प्लीट्स बना दीजिए। बैक में ज़िप ऐड कर दीजिए। बैक में ज़िप हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि जंप सूट है और इसको पहनने के लिए आपको चाहिए कि इसका एक साइड प्रॉपर ओपन हो, तो हमेशा जंप सूट में बैक में ही ज़िप लगती है। बैकलेस रखा है एंड देन उसके बाद ज़िप ऐड की है हमने, तो उससे क्या रहेगा, आप आराम से उसको पहन पाओगे। जंप सूट दिखने में बहुत अच्छा होता है एंड आप इसको इंडियन या वेस्टर्न दोनों तरीके से दोनों फंक्शंस में अच्छे से कैरी कर सकते हो। सी हमने यहाँ पर दोनों को साथ में अटैच कर लिया है, दोनों लेग्स हमारे अटैच हो चुके थे। अब ये मैं आपको डार्ट दिखा रही हूँ कि हमने डार्ट किस तरीके से डाले हैं, बाकी सब तो आप कर लोगे। मेन चीज़ आती है कि यहाँ पर जो हमने प्लीट्स जो बनाई हैं, डार्ट की जो प्लीट्स बनाई हैं वो किस तरीके से बनाई थी, वो इस तरीके से बनाई हैं। और डार्ट बनाने से पहले हमने क्या किया है, इस तरीके से देखिए लाइनिंग फैब्रिक को स्टिच किया है, अलग से सेपरेट हमारा प्लाजो है वो उसको अंदर की तरफ इंसर्ट करना है और जो आपकी स्टिचिंग रहेगी दोनों की स्टिचिंग एक दूसरे की फेसिंग होनी चाहिए। यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ पिन इसको सिक्योर कर लेंगे एंड दूसरी साइड भी सिक्योर कर लेंगे और जो मैंने डार्ट बनाना आपको बताया है उसी तरीके से एग्जैक्टली डार्ट बनाएंगे। सी अब ये हमारा कुछ इस तरीके का तैयार हो चुका है, आप आगे देखेंगे। तो वेस्ट पार्ट पर
लेस लगी हुई है और हम लेस लगा कर इसका फाइनल लुक तैयार कर देंगे। चलिए इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और डिटेल में सीखने के लिए आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके का है। अगर आपको मेरा फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर बायो में है। बाय।